अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वी एस नॉट। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी वीडियोस अपडेटेड रहें। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लर्निंग, जिसमें हम लर्निंग की डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स और उसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग की डेफिनेशन। लर्निंग में बी डिफाइन एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम न्यू लर्निंग एक्वायर कर रहे हैं। जब हम कोई भी काम सीखते हैं या कोई न्यू हैबिट सीखते हैं तो बेसिकली हम लर्निंग करते हैं। लर्निंग का मतलब ये है सीखना। तो उसके बाद आ जाते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंप्लीफाई द मेन आइडिया। हमें मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप टॉपिक को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप उससे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका मेन आइडिया सिंप्लीफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है एंगेज विद द मटेरियल। लर्निंग की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम मटेरियल एंगेज किए बगैर उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको उसमें से कुछ की समझ आ जाती है, तो आप इस के नेक्स्ट पार्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको चाहिए कि आप पहले इस टॉपिक को खुद अपनी राइटिंग में लिखें, उसमें से अपना एक क्विज लें। थर्ड आता है अप्लाई योर नॉलेज। लर्निंग का मेथड ये भी है कि इसे दूसरों को सिखाया जाए। जब आप किसी को सिखाने की नीयत से सीखते हैं तो आप डिफरेंट मेथड से अटेंशन पे करते हैं, और इसकी वजह से हमारे माइंड की डिफरेंट मेथड से लर्निंग होती है, जिससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फोर है रेलिवेंस इज़ क्रूशियल फॉर रिटेंशन। स्किप द बोरिंग पार्ट ऑफ द बुक, कि जिस पार्ट की आपको समझ नहीं आ रही उसे स्किप कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे तो आपको बुक के उन पार्ट्स की स्टडी करनी चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये आपको लगेगा कि ये चीटिंग है, लेकिन एक्चुअली ये इफ़ेक्टिव वे है लर्निंग का। आपका माइंड उन चीज़ों पर फोकस करता है जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए आपका माइंड इंफॉर्मेशन को सोकअप कर लेता है, यानी कि जज्ब कर लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल लर्निंग के प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस है अटेंशन, सेकंड मेमोरी एंड थर्ड लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटेंशन को। अटेंशन की डेफिनेशन है, अटेंशन इज़ डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड कीपिंग वंस माइंड फोकस ऑन समथिंग। अटेंशन किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने, फोकस करने को कहते हैं। इस बात पर अटेंशन बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। जैसे कि अगर हम क्लास में हैं तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते जब तक हम अपनी पूरी अटेंशन अपनी टीचर को नहीं देंगे, तो हमारी लर्निंग अटेंशन पे डिपेंड करती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में भी यही है, अ स्टूडेंट सीरियसली फोकस ऑन हर टीचर्स लेक्चर इज़ एन एग्जांपल ऑफ समवन इन अ स्टेट ऑफ अटेंशन, कि एक स्टूडेंट है वो सीरियसली फोकस कर रहा है अपने टीचर्स के लेक्चर पर, तो वो अटेंशन के स्टेट में है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन है द फैकल्टी ऑफ इनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी उन इवेंट्स को स्टोर करने, याद रखने और पहचानने की सलाहियत है जो पहले हमारे साथ पेश आए थे। इसके स्टेजेस भी हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो चीज़ हमारे माइंड में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। गिवन अ 7 digits नंबर, वन वे रिमेंबर इट फॉर ओनली अ फ्यू सेकंड्स बिफोर फॉरगेटिंग, सजेस्टिंग इट वाज स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑन द अदर हैंड वन कैन रिमेंबर टेलीफोन नंबर फॉर मैनी ईयर्स थ्रू रेपिटेशन, दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। कि अगर हमें कोई 7 digits नंबर दिया जाए सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए, तो और उसके बाद बस उसे भूल जाए, तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए हमारे माइंड में स्टोर होगा, जिसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर हमें एक मोबाइल नंबर दिया जाए जिसे हमें रोज़ पढ़ना होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग और कम्युनिकेटिंग थॉट्स एंड फीलिंग थ्रू स्पीच, साउंड और रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज एक कल्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वो तरीका है जिससे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी है। एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज इज़ वर्ड स्पोकन। के एग्जाम्पल की लैंग्वेज ये जो अल्फाज हम बोलते हैं।